हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों इस मधानी मोटर को रिवाइंडिंग करने का है। तो यह एक मधानी मोटर है, तो सबसे पहले हम इसके स्विच को ऑन कर देते हैं और इस सीरीज बोर्ड में स्विच को लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बल्ब ग्लो करने लगा है पर हमारी मधानी मोटर घूम नहीं रही है, वर्क नहीं कर रही है। देखिए दोस्तों, बल्ब कभी अधिक रोशनी देने लगता है और कभी धीमी रोशनी देने लगता है। इसका अर्थ यह है कि हमारी मधानी मोटर बाइंडिंग शॉर्ट हो गई है, जल चुकी है। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो इन स्क्रूओं को खोलकर हम बैक कवर को बाहर निकाल लेते हैं। मैं मधानी मोटर रिवाइंडिंग की सीरीज लेकर आया हूं, तो आप देखते रहिए दोस्तों। तो इस प्रकार हम बैक कवर को ओपन कर लेते हैं और देखिए दोस्तों, हमारे कनेक्शन पूरी तरह सही है। हमारे कनेक्शन में किसी प्रकार का लूज कॉन्टैक्ट नहीं है। तो इसमें दोस्तों, यह हमारे तीनों स्टेटर कनेक्शन हैं और यह दो कैपेसिटर कनेक्शन है। तो इसमें एक टू-वे स्विच लगा होता है और एक वन-वे स्विच लगा होता है। टू-वे स्विच में हम कैपेसिटर कनेक्शन को देते हैं और वन-वे स्विच में हम कॉमन वायर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटर के कैपेसिटर कनेक्शन को टू-वे स्विच से बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार देखिए दोस्तों, हम टू-वे स्विच से कनेक्शन को बाहर निकाल लेते हैं और अब हम वन-वे स्विच से कॉमन वायर को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यह कनेक्शन हमने ओपन कर लिए हैं। अब इस कैपेसिटर हमारा 2.50 mFD का है। तो अब हम कैपेसिटर से कनेक्शनों को अलग कर लेते हैं और इसके बाद अब हम सीरीज बोर्ड से स्टेटर कनेक्शनों को टेस्ट करेंगे। तो सीरीज बोर्ड हमारा ग्लो करने लगा है। तो यह देखिए दोस्तों, हमारे दोनों कैपेसिटर वायर कनेक्शन नहीं दिखा रहे हैं। इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं दिखा रहा है। तो इसका अर्थ है हमारी मधानी मोटर शॉर्ट हो गई है, जल गई है। अब हम इसे ओपन करने के लिए सबसे पहले यह निशान लगा लेते हैं ताकि फिट करते समय हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी ना जाए। तो अब हम इस सापट से इस नट को बाहर निकाल लेते हैं और इस
मधानी सापट को बाहर निकाल लेते हैं और अब हम इन स्क्रूओं को खोलकर भी इस स्टैंड को बाहर निकाल लेंगे। मैं अपनी इस मधानी मोटर रीबाइंडिंग में दोस्तों छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपको दूंगा। यदि कुछ छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार हम स्क्रूओं को खोल लेते हैं और इस स्टैंड को बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार अब हम मधानी मोटर से स्टेटर को बाहर निकालेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले कैपेसिटर को बाहर निकाल लेते हैं और फिर मोटर के बैक कवर को खोलने के लिए इन स्क्रूओं को बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने स्क्रू खोल लिए हैं और अब इस मोटर को इस प्रकार ठोकने पर यह बैक कवर आसानी से बाहर निकल आता है। यह देखिए दोस्तों, और इसमें यह बुश लगा हुआ है जिसका नंबर 882 है। यह इसका रोटर है दोस्तों। और यह इसका स्टेटर है। तो अब हम इस स्टेटर को मोटर से बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए हम इस लोहे की रॉड से इस प्रकार हम स्टेटर को ठोकर लगाएंगे। तो यह स्टेटर कवर से बाहर निकल आता है। मैं इस कूलर सापट से स्टेटर को ठोकर लगा रहा हूं। तो यह स्टेटर बड़ी ही आसानी से बाहर निकल आएगा। मैंने वीडियो को स्कैप नहीं किया है दोस्तों, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो इस प्रकार हम कवर से स्टेटर को बड़ी आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। मधानी मोटर वाइंडिंग भाग 2 है। जिन दोस्तों ने मेरा मधानी मोटर वाइंडिंग भाग 1 नहीं देखा है तो वे भाग 1 जरूर देखें। तो अब हम इस मधानी मोटर स्टेटर से सबसे पहले धागे को बाहर निकाल लेते हैं। कुछ मधानी मोटर बहुत बुरी तरह से जलकर आती हैं, तो उनको हमें कटर की सहायता से काटना पड़ता है। यह
कनेक्शन वायर हैं जो कि रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के हैं। तो अब हम दूसरी ओर भी इस धागे को आसानी से निकाल लेते हैं। मैं अपने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं, इस वजह से मैंने मधानी मोटर बाइडिंग सीरीज शुरू की है। तो यह देखिए दोस्तों, यह स्टार्टिंग कॉइल है जिसे कि अब हम स्टेटर से बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पेपर को बाहर निकाल लेते हैं जो कि कॉइल का सेपरेटर पेपर होता है जो कॉइल के ऊपर से लगाया जाता है। तो इस प्रकार हम फर्स्ट स्टार्टिंग कॉइल को बड़ी ही आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार अब हम सभी स्टार्टिंग कॉइल को धीरे धीरे बाहर निकाल लेंगे। इसमें पिच 1 से 4 में एक बार और 1 से 6 में 2 बार रहती है। यह सेकंड कॉइल बाहर निकल आई है दोस्तों। अब हम थर्ड कॉइल को भी बाहर निकाल लेंगे। यह देखिए दोस्तों, थर्ड कॉइल भी हमारी बाहर निकल आई है। अब हम फोर्थ कॉइल को भी बाहर निकाल लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, हमारी चौथी कॉइल भी स्टेटर से बाहर निकल आई है। अब हम रनिंग कॉइल बाहर निकालेंगे। उससे पहले हम मधानी मोटर वाइंडिंग का डाटा देख लेते हैं जिसमें कि स्लॉट 24 है, कॉइल 8 है और इसका स्टैंडर्ड वायर गेज 35 है। यह रनिंग कॉइल है तो रनिंग और स्टार्टिंग में गेज 35 ही रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल का डाटा देख लेते हैं। तो इसमें कॉइल की लंबाई 18 इंच है जिसे कि मैं आपको माप के भी दिखा देता हूँ। किसी भी मोटर की कॉइल की लंबाई पुरानी कॉइल मापकर ही बनाई जाती है। तो यह देखिए दोस्तों, यह कॉइल 17.5 इंच की है तो हम इसको 18 इंच की बना लेते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग कॉइल की लंबाई 18 इंच है। कॉइल के टर्न हम पुरानी कॉइल को गिनकर निकाल लेते हैं। तो इसमें मैंने टर्न गिन लिए हैं जो कि 250 हैं, 250 टर्न हैं। कॉइल का गेज 35 और कॉइल की पिच 1 से 4 में एक बार और 1 से 6 में 2 बार। इसी प्रकार रनिंग कॉइल का डाटा मैं आपको बता देता हूं। यह रनिंग कॉइल है तो रनिंग कॉइल की लंबाई भी 18 इंच ही रहेगी दोस्तों, चाहे वह कॉपर वायर से बाइंड की जाए या एल्युमिनियम वायर से। कॉइल के टर्न भी वही रहेंगे 250। कॉइल का गेज 35
और पिच 1 से 4 में एक बार और 1 से 6 में 2 बार रहेगी। तो आप चाहें तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, जिससे आपको बाइंडिंग करने में आसानी रहेगी। तो अब चलिए हम रनिंग कॉइल को भी स्टेटर से बाहर निकाल लेते हैं। इस मधानी मोटर वाइंडिंग के भाग के बाद अब हम अगला भाग भी ज़रूर लेकर आएंगे, जिसे आप लोग देखना। तो अब हम रनिंग कॉइल को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यह 5वीं कॉइल हमारी स्टेटर से बाहर निकल आई है। अगला भाग हम जल्द ही चैनल पर अपलोड करेंगे। तो यह दूसरी रनिंग कॉइल बाहर निकल आई है और यह 6वीं कॉइल स्टेटर से बाहर निकल आती है। इसी प्रकार यह 7वीं कॉइल भी स्टेटर से हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हमारी आखिरी कॉइल स्टेटर से बाहर निकाल लेते हैं। आज का वीडियो दोस्तों 24/8 मधानी मोटर वाइंडिंग का है, जिसमें कि यह पुराने पेपर इसमें लगे हुए हैं, इनको हम पहले रिमूव कर लेते हैं, स्टेटर से बाहर निकाल लेते हैं। मैंने मधानी मोटर वाइंडिंग भाग 1 और भाग 2 पहले अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो पहले भाग 1 और 2 ज़रूर देखें। तो पेपर अलग करने के बाद अब हम इसमें नए पेपर को लगाएंगे, जिसमें कि यह 7 नंबर PVC फिल्म पेपर है। इसको हम स्टेटर की साइज के हिसाब से काट लेते हैं और इसका हम एक साइज तैयार करेंगे। तो उससे पहले हम पेपर को इस प्रकार मोड़ कर काट लेते हैं। यह 7 नंबर PVC फिल्म पेपर है। एक चाकू की सहायता से हम पेपर को इस प्रकार काट लेते हैं। अब हम पेपर को इस प्रकार मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद अब हम स्टेटर के स्लॉट के अंदर डालकर देखते हैं। तो यह हमारा साइज सही है और अब हम इसको काट लेंगे। इस प्रकार पेपर को काटकर अब हम पेपर को इस प्रकार मोड़ेंगे और इसकी कॉलर तैयार करेंगे। मोड़ने के बाद अब हम स्लॉट में डालकर देखते हैं। तो यह थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, जिसे हम काटकर दोबारा इसकी साइज लेते हैं और फिर इसको भी इस प्रकार मोड़कर कॉलर तैयार कर लेते हैं। और अब हम स्टेटर में इस प्रकार बिठा लेते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, हमारा साइज निकल आया है और अब हम इसी पेपर साइज के टुकड़ों को इस प्रकार काट लेते हैं। यह पेपर साइज 24 रहेंगे, जो कि मैं जल्दी से काट लेता हूं। पेपर के टुकड़े काटने के बाद मैं अब स्टेटर में इनको इंस्टॉल करूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने
इस प्रकार सभी साइज के पेपर को काट लिया है और अब हम स्टेटर में इस प्रकार पेपर को ऐड करते हैं। यदि पेपर बड़ा या छोटा लगता है तो उसको हम कैंची की सहायता से सही एडजस्ट कर लेते हैं और स्टेटर में डालकर देखते हैं तो हमारा साइज सही है। तो हम जल्दी से स्टेटर में पेपर को ऐड कर लेंगे। मैं वीडियो आपको पूरा दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार मधानी मोटर बाइंडिंग की जाती है। इससे आपको बाइंडिंग करते समय बहुत ही सहायता होगी। यह देखिए दोस्तों, हमने स्टेटर में पीवीसी सीट लगा ली है और यह देखिए हमारा पेपर पूरी तरह सेट हो गए हैं। तो अब हम इस क्वाइल फर्मे से क्वाइल को बनाएंगे, जिसमें कि इसकी लेंथ 18 इंच रहेगी। 18 इंच की हम क्वाइल को बनाएंगे जो कि रनिंग और स्टार्टिंग एक ही रहेगी। तो चलिए अब हम इसे मशीन पर कस लेते हैं। मशीन पर कसने के बाद 35 नंबर SWG स्टैंडर्ड वायर गेज इसमें हम यूज़ करेंगे। तो हमने फर्मे को मशीन पर लगा लिया है और अब हम पहली क्वाइल बनाना स्टार्ट करेंगे। यह मशीन एक बार घुमाने पर 10 राउंड लेती है, तो हम मशीन को 25 राउंड घुमाएंगे तो हमारे 250 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम जल्दी से मशीन को 25 बार घुमाते हैं। 25 बार घुमाने के बाद हमारे पहली क्वाइल तैयार हो जाती है। इसे अब हम इस प्रकार देखिए दोस्तों धागे से बांध लेते हैं ताकि हमारी क्वाइल आपस में उलझे ना। क्वाइल को थोड़ा ढीला बांधना चाहिए और इस प्रकार की गांठ का यूज़ करना चाहिए ताकि क्वाइल अच्छी तरह बंध सके। तो चलिए अब हमारी पहली क्वाइल बन गई है, अब हम दूसरी क्वाइल को इसी प्रकार बनाएंगे। इसमें हम कनेक्शन ऑलरेडी वाली क्वाइल बना रहे हैं जिसमें कि हमें बाद में कनेक्शन नहीं करना पड़ेंगे। इसमें आखिरी में एक वायर और पहली क्वाइल का एक वायर बाहर निकलेगा। तो यह देखिए दोस्तों हमारी सेकंड क्वाइल भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम तीसरी क्वाइल को भी बनाते हैं। तो यह हमारी तीसरी क्वाइल हम बनाना शुरू करते हैं। मैं अपने इस वीडियो में आपको 24 स्लॉट मधानी मोटर बाइंडिंग किस प्रकार की जाती है उसकी पूरी जानकारी दे रहा हूं। तो यह देखिए दोस्तों, मैंने तीसरी क्वाइल को
बना लिया है और इसको धागे से बांध लिया है। इसमें ऑलरेडी कनेक्शन हो रहे हैं, आप चाहें तो इन्हें अलग अलग कनेक्शन करके भी कॉइल बना सकते हैं और बाद में कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें हम एल्युमिनियम और कॉपर दोनों ही तरह के वायर से बाइंडिंग कर सकते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, हमारी चौथी कॉइल भी बनकर तैयार हो गई है और यह एक सेट हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। यह इसका आखिरी छोर है और यह हमारा पहला छोर है। हमने पहला सेट बनाकर तैयार कर लिया है, अब हम दूसरा सेट बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार अब हम अगला सेट बनाना शुरू करते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, हमारी पहली कॉइल बन गई है जो कि फोर्थ कॉइल है। इस सेट में अब हम दूसरी कॉइल बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम मशीन को 25 राउंड घुमाते हैं तो हमारी 250 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं और कॉइल तैयार हो जाती है और हम धागे से बांधकर कॉइल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, मेरी यह इस सेट की दूसरी कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगली कॉइल को बनाना शुरू करते हैं। मैंने 24 स्लॉट मधानी मोटर वायरिंग के दो भाग अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। यह तीसरा भाग मैं आज अपलोड कर रहा हूं। इसके बाद मेरा अगला भाग 24 स्लॉट मधानी मोटर वायरिंग का जल्दी मैं अपलोड करूंगा। तो आप वीडियो देखते रहें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारी कॉइलें तैयार हो गई हैं और यह हमारी आठवीं कॉइल बनकर तैयार हो गई है और हमने कॉइलों को कंप्लीट कर लिया है। हमारे चार कॉइल के दो सेट बनकर तैयार हो गए हैं। तो यह देखिए दोस्तों, हमारे दो सेट बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम अगले वीडियो में इनको स्टेटर में बैठालना सीखेंगे। स्लॉट मधानी मोटर वायरिंग का है जिसमें कि मैंने ऑलरेडी कनेक्शन वाली कॉइल पहले से ही बनाकर रख ली हैं। तो दोस्तों, अब हम स्टेटर में कॉइलों को ऐड करना सीखेंगे। तो यह देखिए दोस्तों, मैंने कॉइल के ऊपर से लगाने के लिए पेपर पहले से ही काट कर रखे हुए हैं। अब हम रनिंग कॉइल को स्टेटर में ऐड करेंगे। तो यह पहली कॉइल है। अब हम कॉइल के ऊपर पेपर लगा देते हैं। पिच है 1:4 में एक बार और 1:6 में दो बार, जिसमें कि हम बीच में दो स्लॉट छोड़कर कॉइल को बिठालते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, यह हमारा इनर वायर है और यह हमारा आउटर वायर है जो कि कॉइल से जुड़ा हुआ है।
तो एक से चार में हमने कॉइल को ऐड कर लिया है। अब इस प्रकार हम कॉइल को पकड़ते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों, और इस प्रकार घुमाकर स्लॉट में कॉइल को बिठालते हैं। और अब हम गिनती से एक से छः में कॉइल को इस प्रकार ऐड करते हैं। यह एक से छः में एक बार कॉइल बैठ गई है। अब हम इस प्रकार घुमाते हैं और फिर उसी स्लॉट में कॉइल को बिठालते हैं और ऊपर से सेपरेटर पेपर लगा देते हैं। अब हम उसी स्लॉट में कॉइल को फिर ऐड कर लेते हैं। तो यह हमारी एक से छः में दो बार कॉइल स्टेटर में ऐड हो जाती है और ऊपर से हम सेपरेटर पेपर लगा लेते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड की तरफ निकलने वाला वायर है जो कि इनर वायर है, और यह राइट हैंड की तरफ निकलने वाला वायर है जो कि कॉइलों से ज्वाइंट है जो कि आउटर वायर है। तो अब हम दूसरी कॉइल को स्टेटर में ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा आउटर वायर है जो कि अगली कॉइल के आउटर वायर से जुड़ा हुआ है, और एक से चार में हम कॉइल को बिठा लेते हैं। एक स्लॉट छोड़कर हम एक से चार में कॉइल को बिठालते हैं, एक स्लॉट खाली रहती है उसमें हम एक से छः में कॉइल को ऐड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम कॉइल को स्टेटर में ऐड करते हैं। मैंने 24 स्लॉट मधानी मोटर वाइंडिंग के भाग 1, 2, 3 पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले भाग 1, 2 और 3 ज़रूर देखिए। यह 24 स्लॉट मधानी मोटर वाइंडिंग का भाग 4 है। इसके बाद 24 स्लॉट मधानी मोटर वाइंडिंग का एक छोटा सा भाग मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने दूसरी कॉइल भी स्टेटर में ऐड कर ली है। इसी प्रकार मैं सभी चारों कॉइलों को स्टेटर में ऐड कर लेता हूं। तो यह देखिए दोस्तों, हमारा इनर वायर है और यह इस कॉइल का इनर वायर है। तो यह दोनों हमारे रनिंग कॉइल के कनेक्शन हो जाते हैं। तो अब हम इसमें मेडिकल टेप लगा लेते हैं, फिर इसके बाद हम स्टार्टिंग कॉइलों को ऐड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेडिकल टेप को हम इस प्रकार कॉइलों के ऊपर लगा लेते हैं। अब हम दूसरी ओर भी मेडिकल टेप को लगा लेंगे। हम इसमें पेपर भी लगा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यह मेडिकल टेप हमने कॉइलों के ऊपर लगा लिया है। अब हम इसमें यह स्टार्टिंग कॉइल की फर्स्ट कॉइल इसमें ऐड करेंगे। तो पिच हमारी वही रहेगी, एक से चार में एक बार और एक से छः में दो बार। तो यह देखिए दोस्तों, एक से चार में मैंने यह कॉइल बिठा ली है। और यह देखिए दोस्तों, यह इनर वायर है और यह आउटर वायर है जो कि कॉइलों से जुड़ा हुआ है। तो एक से चार में मैंने कॉइल को बिठा लिया है। अब एक से छः में दो बार कॉइलों को बिठा लेंगे। तो यह खाली स्लॉट में मैं कॉइल को ऐड करता हूं। यह देखिए दोस्तों, इसके बाद एक से छः में
फिर क्वाल को स्टेटर में ऐड करूंगा। अब क्वाल को इस प्रकार घुमाकर फिर 1 से 6 में क्वाल को ऐड करूंगा। क्वाल ऐड करते समय ध्यान देना चाहिए कि वायर कहीं से टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए, और यदि वायर स्लॉट के अंदर डालने में दिक्कत या परेशानी जाती है तो थोड़े थोड़े वायर करके भी हम स्लॉट के अंदर डाल सकते हैं। यह देखिए दोस्तों, इस प्रकार थोड़े थोड़े वायर करके हम आसानी से स्लॉट के अंदर डाल लेते हैं और उसके ऊपर क्वाल सेपरेटर पेपर भी लगा देते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, हमने पहली क्वाल ऐड कर ली है और यह अब हम दूसरी क्वाल को ऐड करेंगे। यह इस क्वाल का आउटर वायर है जो कि इस क्वाल के आउटर वायर से ऐड होगा। तो 1 से 4 में क्वाल बिठाने के बाद अब हम 1 से 6 में क्वाल को बिठा लेंगे। मैंने 24 स्लॉट मधानी मोटर वाइंडिंग में पूरी फुल जानकारी अपनी वीडियो में दी है। इससे जब आप वाइंडिंग करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। इस प्रकार क्वाल को घुमाकर 1 से 6 में 2 बार क्वाल को ऐड कर लेते हैं। और इसके बाद हम क्वाल सेपरेटर पेपर भी लगा देते हैं। तो स्टार्टिंग क्वाल की 2 क्वाल हमने स्टेटर में ऐड कर ली हैं। इसी प्रकार हम 4 क्वालों को स्टेटर में ऐड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने 4 क्वाल स्टेटर में ऐड कर ली हैं। अब हम धागे से इनकी टेपिंग कर लेते हैं। तो धागे को इस प्रकार इस तार से हम बांधते हैं और यह गठान लगाकर धागे को क्वालों से बांध देते हैं और फिर टेपिंग करना शुरू कर देते हैं। टेपिंग करने से क्वालों में मजबूती आ जाती है और सुंदरता भी बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, हमने दूसरी ओर की टेपिंग कर ली है। अब हम कनेक्शन की ओर भी टेपिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कनेक्शनों को बाहर निकाल लेते हैं और देखिए दोस्तों, यह हमारे रनिंग क्वाल के कनेक्शन हैं और यह ऊपर स्टार्टिंग क्वाल के कनेक्शन हैं। तो अब हम इसमें यह कनेक्शन वायर भी जोड़ लेते हैं। तो हमने कनेक्शन वायर को जोड़ लिया है और यह पेपर भी लगा लिया है। इसकी जगह हम कॉटन पेपर का उपयोग कर रहे हैं। तो ब्लू वायर रनिंग क्वाल का है और वाइट वायर स्टार्टिंग क्वाल का है। तो देखिए दोस्तों, हमने टेपिंग करना शुरू कर दिया है और बड़ी ही आसानी से टेपिंग की जा रही है।
इस प्रकार हम स्टेटर की टेपिंग कर लेते हैं और स्लीव को अच्छी तरह बांध देते हैं ताकि मोटर घूमते समय कॉइल रोटर से लगे नहीं। तो हमने टेपिंग कर ली है। वीडियो दोस्तों इतनी ही थी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो यह हमारे स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के वायर हैं। अब हम इसे सीरीज लैंप से टेस्ट कर लेते हैं। तो सीरीज बल्ब हमारा जलने लगा है। अब हम सबसे पहले रनिंग कॉइल को टेस्ट करेंगे। तो यह देखिए दोस्तों, रनिंग कॉइल सीरीज दिखा रहा है। अब हम इसका बॉडी शॉट भी देख लेते हैं। तो बॉडी शॉट भी नहीं है। अब हम स्टार्टिंग कॉइल को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग कॉइल भी सीरीज दिखा रहा है और बॉडी शॉट भी नहीं है। अब हम दोनों कॉइलों को आपस में टेस्ट कर लेते हैं। तो हमारी दोनों कॉइल भी शॉर्ट नहीं है। तो इस प्रकार हमारी मधानी मोटर बाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है। स्टेटर है, इस स्टेटर को हम इसके कवर में किस प्रकार सेट करते हैं और इसके कनेक्शनों को किस प्रकार करते हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो मैंने मधानी मोटर बाइंडिंग के भाग 1, 2, 3, 4 पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यह भाग 5 है। तो देखिए दोस्तों, हम एक लोहे की राड की सहायता से इस प्रकार हम स्टेटर को कवर में सेट कर लेते हैं और इसके बैक कवर को लगाकर स्क्रू को अच्छी तरह टाइट कर देते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, हमारी मधानी मोटर की सापट अच्छी तरह से घूमने लगी है। अब हम इसके कनेक्शनों को देख लेते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, यह वाइट कलर के जो वायर हैं यह स्टार्टिंग कॉइल के हैं और यह ब्लू कलर के जो वायर हैं यह रनिंग कॉइल के हैं। तो सबसे पहले एक वाइट कलर का वायर और एक ब्लू कलर का वायर आपस में जोड़ लेते हैं, जो कि कॉमन वायर बन जाता है। और एक ब्लू कलर का और वाइट कलर का वायर हम कैपेसिटर वायर में जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने वायरों को जोड़ लिया है। यह कैपेसिटर वायर हैं। तो अब हम कॉमन वायर जो कि वाइट कलर और ब्लू कलर से बना है, इसे हम वन वे स्विच में कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम वन वे स्विच में कॉमन वायर को लगाकर इसके स्क्रू को टाइट कर देते हैं। इसके बाद टू वे स्विच में हम कैपेसिटर वायर को लगा देते हैं। टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में हम केबल को लगाते हैं और एक केबल का दूसरा वायर वन वे स्विच में लगा देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, इस स्टैंड को हम मधानी मोटर में लगा लेते हैं। तो यह निशान जो हमने पहले लगाया था, उसी निशान पर इस प्रकार हम लगाकर स्क्रू को कस देते हैं। यह मधानी मोटर का स्टैंड है।
इस प्रकार हम तीनों स्क्रूओं को अच्छी तरह कस देते हैं, टाइट कर देते हैं। अब हम इस मधानी मोटर की शाफ्ट को लगाकर इसका स्क्रू भी अच्छी तरह टाइट कर देते हैं। तो हमने मधानी मोटर को अच्छी तरह सेट कर लिया है। अब हम इसे सीरीज बोर्ड से टेस्ट करेंगे। तो यह देखिए दोस्तों, हमारी मधानी मोटर अच्छी तरह घूमने लगी है और इसका टू वे स्विच भी सही प्रकार वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार हम एक मधानी मोटर वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।